We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. IMF ne Pakistan ke liye $7 arab ke bailout package ki manzoori de di. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जेवा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है, मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगु। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सम्त में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक सम्त में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बाज़ कड़े फैसले मुल्क की मफाद में बजट के वक्त भी किए। MD IMF ने कहा कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करते हैं। MD IMF ने कहा कि हमारी हुकूमत जाफिशानी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पैकेज की मंजूरी के बाद पहली किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मिलेगी। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैन अल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाति इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मजबूत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक पॉलिसी वही होगी जो बानी PTI ने कही। ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अदलिया को गुलाम बनाना चाहती है। बच्चे बच्चे को पता है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे इख्तियार आईनी अदालत को देकर जस्टिस काजी फायजी साह को इसका 3 साल का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। लबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई, 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। लबनान से हिजबुल्ला का इसराइली दारुलहुकूमत तलबीब पर पहला मिज़ाइल हमला, मूसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिज़ाइल तबाह करने का दावा। इराक से मज़ामती ग्रुप के इसराइल शहर एलात पर ड्रोन हमले, 2 इसराइली जख्मी हो गए। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास शुरू।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मजम्मत। सलामती कौंसिल में आला सतह मुबाहिसे में कहा कि इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मसला हल हुए बगैर खत्ते के अमन को खतरा दरपेश है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का सलामती कौंसिल में जामे असलाहत की ज़रूरत पर जोर। G20 वज़राए खारजा इजलास में कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात अमन व सलामती की कोशिशों को सबोताज करते हैं। खित्ते में बढ़ते बहरानों से निपटने के लिए जामे असलाहत ज़रूरी हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है और गजा में बहुत ज़्यादा शहरी बिला जवाब मारे गए। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि अब सबसे बड़ा ख़तरा लबनान कशीदगी में इजाफा है। लबनान में जंग नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुजीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन का बयान, एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। कुछ रोज़ पहले बानी PTI ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातूर ने वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि अमीर मकाम ने 3 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। बेबुनियाद इल्ज़ाम से मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया। अमीर मकाम 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, वरना हर्जाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। माफ़ी ना मांगने की सूरत में 5 करोड़ रुपये हर्जाना अदा किया जाए। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, एक गैर मुल्की सफीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब की चीन के लिए खसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे। लबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई, 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। लबनान सरहद पर 2 रिजर्व ब्रिगेड्स तलब। लबनान से हिजबुल्ला का इसराइली दारुलहुकूमत तलबीब पर पहला मिज़ाइल हमला। मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिज़ाइल तबाह करने का दावा। इराक़ से मज़ामती ग्रुप के इसराइली शहर एलात पर ड्रोन हमले, 2 इसराइली ज़ख्मी। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बायस बनेगी। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लबनान की अपनी मुसल्ला अफवाज को मजबूत करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि मुजाकरात के लिए 21 दिन की आर्जी जंगबंदी पर अमरीका के साथ काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी का मनसूबा जल्द सामने आ जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकशी ने कहा है कि लबनान पर मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लातालुक नहीं रह सकता। सलामती कौंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइनें क्रॉस कर चुका। लबनान में इसराइली मजालिम और कब्जे के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिजबुल्ला की हिमायत करता है। अक़वामे मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल लबनान में सफारतकारी को तरजीह देगा। सफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। हिजबुल्ला ने कार्रवाइयाँ रोकें तो इसराइल फौरी तौर पर रुक जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मजम्मत। सलामती कौंसिल में आला सतह मुबाहिसे में कहा कि इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए।
अमरीका का यूक्रेन को $375 मिलियन इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान। फौजी इमदाद में रॉकेट, गाड़ियां, क्लस्टर बम और मिसाइल भी शामिल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा हुआ तो मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार रूस और उसके अवाम के तहफ्फुज़ की अहम जमानत हैं।